हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट एलाइट पास के बारे में कि क्या क्या हमें नेक्स्ट एलाइट पास में देखने को मिलने वाला है। सारे आइटम्स दिखाने वाला हूँ मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो यार वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ साथ एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा, बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए चलते सीधे वीडियो पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट एलाइट पास एलिस एंड द वंडरलैंड की थीम पर होने वाला है। तो यार सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या उसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले ट्रेलर से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एलाइट पास का ट्रेलर। तो गाइस, एलाइट पास में हमें सबसे पहले देखने को मिल रही है हमारी ब्लू गाड़ी की स्किन, जो कि मतलब जीरो बैचेस पे मिल रही है हमें और अच्छी लग रही है, कोई बुरी नहीं लग रही है दिखने की, बहुत ही ऑसम है, कलरफुल स्कीम पर बनी है और अच्छी लग रही है वैसे ब्लू गाड़ी की स्किन फ्री के हिसाब से, मतलब एलाइट पास के हिसाब से। फिर हमारा फ्री का एक अवतार आता है और फिर एक बैट की स्किन है गाइस, और आपको पता ही कि लेजेंडरी तो होता नहीं है तो मतलब नहीं है। और फिर एक फ्री का टॉप, फीमेल टॉप है तो ये भी कोई यूज़ नहीं करता बेसिकली, तो ज़्यादा कुछ मतलब का नहीं है। फिर एक हमारा बैनर आता है, बैनर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आप रैबिट वगैरह देख सकते हो पूरा एलिस इन द वंडरलैंड पे, यही होता है रैबिट रैबिट रैबिट। और फिर ये हमारा मेल का टॉप जो हमें फ्री में देखने को मिलेगा फायर पास में, ये भी ठीक ठाक सही है, इसके बारे में क्या बोले, कोई यूज़ नहीं करता इसे। फिर इसके बाद हमें एक और अवतार देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा फीमेल बंडल गाइस, फीमेल बंडल देख सकते हो और एनिमेशन वगैरह ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैंने सोचा एनिमेशन वगैरह होंगे इस बार ज़्यादा, पर नहीं है पता नहीं क्यों। बस बैक पे आप देख सकते हो रोज़ वाला थोड़ा सा एनिमेशन है जो इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। बाकी ओवरऑल बंडल की बात करूँ तो ठीक ठाक सा बंडल है, एकदम अच्छा तो मुझे नहीं लगा, ठीक ठाक ही लगा, ठीक ठाक ही बोलना चाहिए। बाकी आप लोगों को ये बंडल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहूँगा। अब गाइस, फीमेल बंडल के बाद में हमें देखने को मिलता है कुछ फ्रेगमेंट्स जो कि हमारे न्यू स्कैलर करेक्टर के हैं। फिर एक हमें गन स्किन देखने को मिलने वाली जो हमारी छोटू शॉट गन की है, 1883 हाँ शायद 83 है उसकी शॉट गन वाली शॉट गन की है। फिर एक फ्री की टी शर्ट अच्छी लग रही है, कैट बनी हुई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है टी शर्ट, सिंपल सोबर टी शर्ट से, बट ये वेस्ट वगैरह हाइट नहीं करती है। फिर आता है हमारा सर्फ बोर्ड भी गाइस एकदम सिंपल सोबर सर्फ बोर्ड है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मेरे को इस सर्फ बोर्ड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगा है सर्फ बोर्ड, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। फिर हमारा एक और बैनर आता है और बैनर भी ठीक ठाक सही है, कलरफुल है पूरा एकदम। फिर गाइस आती है हमारी ग्रेनेड की स्किन, और ग्रेनेड कितना ऑसम लग रहा है यार दिखने में, बहुत ही ऑसम लग रहा है, रैबिट बना हुआ पूरा और बहुत ही कूल लग रहा है वैसे ग्रेनेड दिखने में, बट उसके ग्राफिक्स अभी तक पता नहीं चले मुझे कैसे हैं। फिर गाइस हमारा आता है लूट बॉक्स देख सकते हो, लूट बॉक्स भी बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट है, लूट बॉक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल ऑसम एंड डिफरेंट लूट बॉक्स है इस एलाइट पास का। फिर आता है हमारा एक और बैनर जो हमें फायर पास मतलब फ्री में देखने को मिलेगा, और क्या फ़र्क पड़ता है यार फ्री की चीज़ों से। फिर गाइस हमारा फ्री वाला बैकपैक आता है, देख सकते हो आप लोग इस पे भी रैबिट वगैरह बने हुए हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक ठाक सा बैकपैक है, कलरफुल है वैसे ये वाला बैकपैक, आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता होगा। फिर हमारा मेन एलाइट पास का बैकपैक गाइस देख सकते हो, बहुत ही कूल लग रहा है, ये शायद छोटा मोटा घर टाइप बना हुआ है कुछ, बहुत ही अच्छा लग रहा है बैकपैक, और हल्के फुल्के एनिमेशन भी है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में। लेवल 2, लेवल 1 का भी देख सकते हो आप लोग, बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फाइनली आता है हमारा मेल का बंडल गाइस, ये है हमारा मेल का बंडल, और मेल का बंडल मुझे दिखने में ज़्यादा अच्छा लगा है, जैकेट वगैरह बहुत ही अच्छा लगा मेल के बंडल का, अभी आपको सिर्फ जैकेट का भी लुक दिखाऊंगा। बाकी एनिमेशंस तो इसके अंदर में मुझे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि एनिमेशन इसमें है भी या नहीं है, हल्के फुल्के थोड़े बड़े एनिमेशन से बस, बाकी देख सकते हो जैकेट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसका, टॉप बहुत ऑसम है, बाकी ओवरऑल मास्क वगैरह भी ठीक ठाक सही है, एकदम बेस्ट एलाइट पास तो नहीं है बट फिर भी एक अच्छा एलाइट पास होने वाला ही है। इस बार रिमोट नहीं रहेगा, मतलब इसके नेक्स्ट एलाइट पास में हमें रिमोट भी देखने को मिलेगा, तो गाइस जैसे वो एलाइट पास सामने आएगा तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
तो ये था हमारा गाइस एलिस एंड द वंडरलैंड के थीम का एलाइट पास, जो कि हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ मतलब कि मार्च में। और यार इसका प्री ऑर्डर वगैरह क्या होगा मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में बता दूंगा। तो गाइस यही था हमारा नेक्स्ट लाइट पास की वीडियो, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को ही रैप करते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लाइट पास कैसा लगा। सो गाइस बाय बाय।